नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल के एक और जानकारी भरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद सनसनीखेज जानकारी के बारे में, जिसमें हम आपको भारतीय सेना के चीनी सीमा पर दर्शाए गए कुछ अनसुने पराक्रमों के बारे में अवगत करेंगे। अपने वीर सेना जवानों को सम्मानित करने की सदियों पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए भारतीय सेना हर साल कुछ चुने हुए स्थानों पर क्षेत्रीय सेना कमांड्स के नेतृत्व में एक इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन करती है। ये हर साल इंडियन आर्मी डे से पहले किया जाता है और इसके तहत भारतीय सेना के उन चुनिंदे वीर जवानों को सेना के कुछ सम्मानों से नवाजा जाता है, उनके किए हुए दुस्साहसिक कर्मों और सेना में दिए गए अपने विशिष्ट सेवाओं के लिए। इस साल भी भारतीय सेना ने अपने वीर जवानों को उनके अदम्य साहस, निडरता और शत्रुओं के विरुद्ध पराक्रम दिखाने के लिए सम्मानित किया है। इस साल ये आयोजन भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड के नेतृत्व में आयोजित किया गया है और इस सम्मानों को वितरित करते समय कुछ सनसनीखेज जानकारी सबके सामने आ चुकी है, जिसे अभी तक छुपाया रखा गया था और इससे चीन और पाकिस्तान की खेमे में हड़कंप मचना तय है। दरअसल ट्विटर से और भारतीय सेना के सूत्रों से हमें अब ये पता चल रही है कि भारतीय सेना के कुछ टुकड़ियों ने चीन की सीमा पर 2020 और 2022 साल के अंदर कुछ दुस्साहसिक कारनामे को अंजाम दिए थे, जिसे सुनकर हर भारतवासी का सीना फक्र से चौरा हो जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम हमारे दर्शकों से विनती करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी हमेशा पहुंचती रहे। और हम आपसे एक और गुजारिश करेंगे कि आप सब मिलकर प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के संख्या 1000 पार पहुंचा दीजिए। हम हमारे दर्शकों पर पूरा विश्वास करते हैं कि वो ये जरूर कर देंगे कुछ ही दिनों के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पर। आप सभी को शायद पता होगा कि आज भारतीय सेना दिवस है और इस पावन अवसर पर हम हमारे पूरे IGMP परिवार के तरफ से हमारे वीर जाबाज जवानों को सलाम करते हैं और उनके परिवारों को नमन करते हैं। हमारे जवान सरहद पे खड़े हैं, तभी हम अपने घरों में इस सर्दी में कंबल ओढ़ के चैन की नींद सो पा रहे हैं। जय हिंद की सेना। तो भारतीय सेना के सूत्रों से हमें ये पता लग रही है कि भारतीय सेना के कुछ टुकड़ियों ने चीन के साथ हुए गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद कुछ दुस्साहसिक ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जिसे अभी तक किसी को पता नहीं था। अब वो सारे किस्से बाहर आ चुके हैं और यकीन मानिए, ये किसी रोमांच से काम नहीं है। हम एक एक करके सारी घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शुरू करने से पहले हम आप सबको ये भी बता दें कि हम इन सब ऑपरेशंस से जुड़े किसी भी सेना अफसर या जवानों के तस्वीर को यहाँ साझा नहीं करेंगे। हमारा मकसद उन सबको शत्रुओं के सामने चिन्हित करना नहीं है, हम सिर्फ आपसे जानकारी साझा कर रहे हैं। पहली घटना 7 जनवरी 2022 को कई चीनी पीएलए सैनिकों ने शंकर टेकरी, संभवतः तवांग, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना की चौकी पर हमला किया, जिस पर 8वीं सिख लाइट इन्फेंट्री के सिपाही रमन सिंह तैनात थे, जिसमें दोनों सेनाओं में भीषण घमासान हुआ, जिसके बाद 4 चीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और भारतीय सेनाओं द्वारा उनकी राइफलें छीन ली गयी। दूसरी घटना 27 नवंबर 2022 को 50 पीएलए सैनिक एलएसी पार करने और अटारी पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। नायक सूबेदार बलदेव सिंह ने पीएलए के खिलाफ मोर्चा संभाला और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अकेले ही 15 चीनी सैनिकों को घायल करने में कामयाब रहे, जिससे पीएलए की पोस्ट पर कब्जा करने की योजना विफल हो गई। तीसरी घटना, इस घटना की तारीख और ऑपरेशन के पूरे विवरण अभी भी गुप्त रखा गया है। 19वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स के लेफ्टिनेंट कर्नल खुशमीत सिंह ने एलएसी पर गश्त की, जिसके परिणामस्वरूप पीएलए की योजनाएं विफल हो गईं, जिससे एक बड़ा गतिरोध पैदा हो गया। स्थानीय पीएलए कमांडर के साथ 2 दिनों की बातचीत के बाद कर्नल ने अपनी टुकड़ी की पोजीशंस को मजबूत की और दोनों देशों के सेनाओं के बीच तनाव को कम किया। चौथी घटना 16 सितंबर 2022 को हुआ, हालांकि इस घटना की ऑपरेशनल डिटेल छिपाई गई है।
ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत 31 आर्मर डिवीजन के लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार सती को हाई अल्टीट्यूड पर एक विशेष मिशन का जिम्मा सौंपा गया था। कर्नल ने दुश्मनों की नजर को चकमा देते हुए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। अब सबसे महत्वपूर्ण पांचवी घटना, ऑपरेशन दोरजी नामक एक बेहद गुप्त ऑपरेशन के दौरान 15 बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सौरभ कुमार ने दुश्मन के इलाके में यानी चीनी क्षेत्र के अंदर कई गुप्त मिशनों को अंजाम दिया। गुप्त गश्ती दल ने अज्ञात क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा के लिए गुप्त निगरानी चौकी स्थापित की। मेजर ने ऑपरेशन दोरजी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। यही नहीं, वो दुश्मन के इलाके में कई दिनों तक रहे और वहां पीछे स्थित भारतीय सेना बेस कमांड को शत्रुओं के पोजीशंस और उनके तैयारियों के महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसे हमारी तैयारियां करने में आसानी मिली। ऊपर में बताए गए ये सारी घटनाएं भारतीय सेना की वीरता का एक बार फिर से चीख चीख कर प्रमाण दे रहे हैं। दुश्मन चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन भारतीय सेना के हौसले और जज्बे के सामने हमें तो नहीं लगता कि कोई सेना या दुश्मन टिक सकता है। भारतीय सेना की इन सब ऑपरेशन से हमें ये पता चलता है कि भारत की तैयारी इस वक्त किस लेवल पर है। जो लोग कुछ दिन पहले तक भारत और भारत के सेनाओं के मनोबल गिराने में व्यस्त थे, उन्हें अब शर्म आनी चाहिए। सरहदों की हिफाजत करना हमारी सेना उन लोगों से नहीं सीखेगी, ये काम उनको बखूबी आती है। और इसके साथ ही ये सारे ऑपरेशंस ये भी दिखती है कि हमारा मौजूदा सरकार चीनी सीमाओं पर कितना ज्यादा सतर्क और आक्रामक है। सरकार की कड़े रुख और सफल कूटनीति के कारण ही इस वक्त चीन जैसा शक्तिशाली मुल्क भारत के सामने फीका पड़ रहा है। भारतीय सेनाओं के ताकत का एहसास तो उन्हें हम गलवान घाटी में ही करवा चुके हैं। चाहे वो कितनी भी झूठी मनगढ़ंत कहानियां बनाए, इससे सच को छुपाया नहीं जा सकता। एक बार फिर से हम आज के इस पावन दिन पर भारतीय सेना के हर एक जवानों को और उनके समस्त परिवारजनों को हम दिल से प्रणाम करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद की सेना।